हेलो दोस्तों, आज हम कहने वाले हैं स्काई ब्लॉक। और ये स्काई ब्लॉक खुद से जेनरेट हो चुका है, हमने कोई गलती नहीं करी, हमने कुछ बनाया नहीं है मेरी सिस्टर है। और ये स्काई ब्लॉक पार्ट वन है दोस्तों, और हम यहाँ पर बहुत केयरफुली खेलेंगे। और देखो यहाँ पर मेरा घर यहाँ पर खुद ही बन चुका है, नेदर पोर्टल खुद ही बन चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक के बटन को तोड़ देना, सब्सक्राइब के बटन को भी तोड़ देना, और एक अच्छे से कमेंट करके देना, शेयर भी कर देना। तो ना बक बक करके शुरू करते हैं। अब मैं दयाशिनी का बेस दिखाता हूँ, मतलब मैं मेरी फनी सिस्टर का बेस दिखाता हूँ जो सब समय पागलपंती करते रहती है। अरे वो तो रियल लाइफ में हाँ। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर का बेस है, यहाँ पर एक नॉर्मल सी चेस्ट रखी है जिसके अंदर उसका आइटम्स है। ये खुद ही आ गए हैं, खुद ही आ गए। और यहाँ पर एक और चेस्ट है, यहाँ पर इंचेंटिंग टेबल है, एक नॉर्मल सा पेड़ जो सबके स्काई ब्लॉक में होता है। यहाँ पर प्रोटेक्टर के लिए यहाँ पर फेंस है दोस्तों। और दोस्तों ये मेरा घर है, इसके अंदर नॉर्मल सा चेस्ट और बेड है, और चेस्ट के अंदर डायमंड के टूल रखे हुए हैं। और मैं खुद का घर बाहर से दिखा देता हूँ, तो मेरा घर कुछ ऐसा लगता है। और ये दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक सिंपल सा नेदर पोर्टल है। तो मैं खुद के सिस्टर के बार बार क्यों मन जाता हूँ फोन जाने, क्योंकि मैं इस गेम में करते रहता हूँ पागलपंती। तो हम खुद के सिस्टर के बेस में चलते हैं अभी, चलो। वेलकम वेलकम। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरी यहाँ पर सिस्टर ना एक अच्छा सा बेस बना रही है और उसके ऊपर घर बना रही है। तो मैं क्राउच होकर चलूँगा, जैसे मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि मेरे पास 25 ऐसे वुडन ब्लॉक्स है एक बायोम के। तो देखो आप देख सकते हो कि नीचे एक ब्लॉक का भी सपोर्ट नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर ये डट का ब्लॉक तोड़ूंगा ना, तो मैं सीधा टपक जाऊँगा और ये बारी चीज़ें भी चल जाएंगी। और हमने यहाँ पर एक फेंस है जो हमें प्रोटेक्ट करे, और यहाँ पर सीढ़ियाँ है। अब मैं यहाँ पर आराम से चलूँगा, जैसे मैं मर ना जाऊँ। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर एक सेफ्टी प्रोटेक्शन वॉल बना लूँ, जैसे मैं यहाँ पर कभी भी ना नीचे गिर सकूँ। दोस्तों अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रात हो रही है, लिटरली आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर एक सेफ्टी वॉल भी बना लिया, मैं उसको कल पूरा कंप्लीट कर लूँगा। मैं यहाँ पर सो जाता हूँ, जैसे मेरा रिस्पॉन पॉइंट सेट हो जाए। आगे से ही सेट है, फिर भी चलो। तो दोस्तों एकदम ताज़ी एकदम सुबह हो चुकी है, सूरज यहाँ पर निकल चुके, आप देख सकते हो। अब चलो मैं जल्दी से यहाँ पर खुद की वॉल कम्प्लीट कर लेता हूँ। बायोम की वुड तो खत्म हो चुकी है, तो मैं ये वाली वुड ले लेता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने पूरी जगह को एकदम सिक्योर कर लिया है, और मुझे थोड़ी भूख लग रही है अभी। और मैंने पूरी जगह यहाँ पर वॉल बना ली है, एकदम अच्छी सी वॉल। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये दयाशिनी का घर है, मतलब मेरी सिस्टर का। हाँ ये लगा रही है अभी, अब देख सकते हो कि यहाँ पर चेस्ट, फर्नेस, बेड, क्राफ्टिंग टेबल, ये सब लगा रही है जो माइनक्राफ्ट के घर में सब नॉर्मल होती है। तो मुझे बहुत तगड़ी भूख लग रही है यार, तो मैं जल्दी से खुद की खा लेता हूँ। यहाँ पर मैं स्टेक खा लेता हूँ 3, वैसे एक से ही भर जाता है फिर भी। चलो तो मेरा पूरा हंगर वाल तो भर गया अब। चलो तो मैं दयाशिनी के बेस में चलता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरे सिस्टर के बेस में है, यहाँ पर बेड है, क्राफ्टिंग टेबल है, और इसके साथ फर्नेस है, और इसके साथ चेस्ट है। लेकिन मेरे पास दयाशिनी का डुप्लीकेट एक्स है। तुम्हारे पास है क्या एक्स? रख दो ना। ठीक है मैं रख देता हूँ मेरी चीज़ों के साथ। तो दोस्तों मेरे पास दयाशिनी के एकदम डुप्लीकेट एक्स कैसे आई, कौन जाने यहाँ पर मिली। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ठीक है मैं तो तुम्हें एक्स देता हूँ। मैंने बोला मैं तुम्हारे, तुम मेरे चेस्ट में रख दो। ठीक है मैं दयाशिनी के चेस्ट में रख देता हूँ ये वाली एक्स, मुझे लगा कि डुप्लीकेट एक्स है। तो मैं खुद के बेस में जल्दी से चलता हूँ, चलो वो एक्स। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक बैठने की चेयर बना ली है, जैसे यहाँ पर एक बंदा बोले कि क्या तुमने घी गेम को सब्सक्राइब किया है, और दूसरा बंदा बोले मैंने किया है। तो दोस्तों अभी मुझे शवल की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे इस ग्रीन एरिया को ना थोड़ा ब्राउन ब्राउन लुक देना है, जैसे और अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पर अच्छे से ब्राउन ब्राउन लुक दे देता हूँ एकदम, इसको शवल में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये डॉट
चॉकलेट पात हो जाएगा तो मजा आएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है, तो मैं पूरी जगह में यही कर देता हूँ। चलो चलो मैं करता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा वैसे। और इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मेरे पूरी जगह में डन हो चुका है, आप देख सकते हो एकदम अच्छे से। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर थोड़ा नेदर एक्सप्लोर करके आता हूँ, तो तब हम वीडियो को एंड कर देंगे। वैसे और पार्ट्स तो आने वाले इस वीडियो के, तो आप चिंता मत करना कि यहाँ पर ही एंड हो गया। तो मुझे नेदर में कुछ ज़्यादा ही भाईयात स्पॉन मिले हैं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा भाईयात। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक के बटन को तोड़ देना, सब्सक्राइब के बटन को भी तोड़ देना, अच्छा सा कमेंट करके जाना, शेयर कर देना। तो आज के लिए इतने, तो तब तक के लिए बाय बाय।